हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बात करते हैं सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और सबसे ज्यादा हार्ड टॉपिक माना जाता है, जो बच्चों को जल्दी से याद नहीं होता है, उसको बिल्कुल इजी वे में ट्रिक के माध्यम से बढ़ाने जा रहे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। टाइप्स ऑफ फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर के कितने टाइप्स होते हैं, फर्स्ट बात करते हैं। दो टाइप के फ्यूचर पाए जाते हैं, फर्स्ट होता है नॉन एब्जोरेबल, सेकेंड होता है एब्जोरेबल टाइम। नॉन एब्जोरेबल का मतलब होता है वो कभी भी एब्जोर्ब नहीं होते, कभी भी गलते नहीं है। एक बार अगर आपने यूज किया है तो उसको वापस से रिमूव करने की जरूरत पड़ती है। ये आपके एक्सटर्नल स्किन के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको इंटरनल सर्जरी करनी है ऑर्गन के इंटरनल साइड में, अगर स्टिच लगानी है, तो वहां पर हमेशा एब्जोरेबल सूचर का यूज किया जाता है। बात करें सूचर में नॉन एब्जोरेबल में, जिसमें दो टाइप के होते हैं, मोनो फिलामेंट एंड मल्टी फिलामेंट देखने को मिलेगा। मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक सिंगल लेयर या एक सिंगल फिलामेंट से मिलकर बना हुआ होता है, जबकि मल्टी में दो या दो से अधिक फिलामेंट से मिलकर के बना हुआ होता है। बात करें मोनोफिलामेंट को, अगर आपको याद रखना है, रटना नहीं है, बेझिझक याद रखना है। एनपीएस पॉलिसी से, नेशनल पेंशन स्कीम पॉलिसी होती है एनपीएस पॉलिसी, जिसको कि मेनली सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब आप नर्सिंग ऑफिसर बनकर के एम्स में ड्यूटी करने वाले हैं, सभी को आपको एनपीएस अकाउंट खुलवाना है, तो उससे पहले आपको एब्जोरेबल फ्यूचर नॉन एब्जोरेबल फ्यूचर के बारे में जानना जरूरी है। बात करें नाइलॉन, एन से याद रखना है, नाइलॉन होता है जिसे पॉलीएमाइड के नाम से भी जाना जाता है। एम्स में अभी दो नॉर्सेट फोर में भी क्वेश्चन आया था। पी की बात करें तो पी से प्रोलीन होता है, जिसे पॉलीप्रोपाइलिन के नाम से जाना जाता है। ऐसे याद रखना है स्टीनलेस, स्टील लोहे से भी ज्यादा मजबूत स्टेनलेस स्टील देखने को मिलता है। बात करें पॉलीसी से तो पीवीडीएफ पॉलीविनाइल डेने फ्लोराइड के नाम से जाना जाता है। तो एनपीएस पॉलिसी से मोनोफिलामेंट में नॉन एब्जोरेबल को याद रखना है। मल्टीफिलामेंट की बात करें तो आप पॉली एस्टर देखने को मिलेगा, एंड सिल्क, सिल्क होता है नेचुरल होता है पॉलीएस्टर में, मर सिल्क, एथिलोन, ये सभी देखने को मिलते हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और अपनी नोटबुक में नोट करते रहिएगा और माइंड में इसको छापते रहिएगा। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं एब्जोरेबल के टाइप के बारे में। एब्जोरेबल जो फ्यूचर होता है वो भी आपका दो टाइप का, मोनोफिलामेंट एंड मल्टीफिलामेंट देखने को मिलेगा। मोनोफिलामेंट की बात करें तो कैटगट होता है, जिसे इंटेस्टाइनल शिप्से जो म्यूकोसा एंड सबम्यूकोसा लेयर होती है इंटेस्टाइन भेड़ की, उससे बनाया जाता है। तो आप सोचोगे, बोले गुरुजी भेड़ से किस तरीके से, तो भेड़ की इंटेस्टाइन से फ्यूचर बनाया जाता है, उसे कैटगट के नाम से जाना जाता है। कैटगट होता है दो टाइप का होता है, प्लेन और क्रोमिक कैटगट देखने को मिलेगा। तो इसको याद रखना है मोनोफिलामेंट एब्जोरेबल को, तो चल प्यारे एमपी से याद रखना है, प्यारे को कहां पर लेकर के जाना है, एमपी में लेकर के जाना है, चल से याद रखना है। क्रोमिक होता है, क्रोमिक कैटगट होगा 10 से 40 दिन का इसका एब्जोरेबल टाइम होता है। अगर आपने क्रोमिक कैटगट का यूज किया है तो 10 से 40 दिन में अपने आप ये एब्जोर हो जाता है, इसको स्टिच को रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेकंड बात करें प्यारे से याद रखना है, प्लेन होता है और प्लेन में 5 to 10 डेज का इसका एब्जोरेबल टाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाईली टिश्यू रिएक्टिव, सबसे ज्यादा जो टिश्यू रिएक्टिव होता है वो कौन सा देखने को मिलेगा। तो आपने एक यहां पर फॉरेन बॉडी का पार्टिकल का काम करता है, क्योंकि आपने इंटेस्टाइन की शिप्स के इंटेस्टाइन से लिया है प्लेन डायरेक्ट, तो ये सबसे ज्यादा हाईली टिश्यू रिएक्टिव करता है। प्लेन कैटगट देखने को मिलेगा, 5 से 10 दिन में एब्जोर्ब हो जाता है। एमपी से याद रखना है, एम का मतलब है मोनोक्राइल, जिसे पॉलीग्लाइकेप्रोन के नाम से भी जाना जाता है। 15 से 30 दिन का इसका एब्जोरेबल टाइम होता है। पॉलीडाइक्सोन की बात करें तो पीडीएस के नाम से जानते हैं, मैक्सिमम इसका